मैयत की दाईं जानिब से गुसल की इब्तिदा कीजिए। अब आप गुसल का तरीका सीख रहे हैं। उम्मे अतिया से रिवायत है, रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी के गुसल में फरमाया, पहले दाईं तरफ के आजाद से और वुजू के मकामात से शुरू करो। नसाई की 1887 नंबर रिवायत है। गुसल के लिए तरीका कार यही है कि पहले वुजू की तरह का वुजू करवाया जाए और उसके बाद फिर बाकी जिस्म को धोया जाए। एक दूसरी रिवायत में है कि आपने फरमाया, इनकी दाईं जानिब से और वुजू के मकामात से गुसल की इब्तिदा करना। उम्मे अतिया कहती हैं, हमने उनको कंघी करके बालों के तीन हिस्से कर दिए, यानी दो हिस्से आगे डाल दिए और एक हिस्सा पीछे। उम्मे अतिया कहती कि रसूलुल्लाह हमारे पास तशरीफ लाए और हम आपकी साहबजादी को गुसल दे रहे थे, तो आपने फरमाया, इन्हें तीन मरतबा या पांच मरतबा या इससे ज्यादा गुसल देना खालिस पानी से और बेरी के पानी से, आखिर में काफूर मिला दो, फिर जब तुम फारिग हो जाओ तो मुझे इत्तला देना। चुनांचे जब हम फारिग हुए तो हमने आपको इत्तला दी, आपने अपने इजार तहबंद हमें दी और फरमाया, इससे इनके जिस्म को लपेट दो। तो यहां से हमें ये पता चलता है, और एक और रिवायत से, हमें अतिया की रिवायत है कि रसुल्ला ने फरमाया था, तीन मरतबा गुसल दे दो या पांच मरतबा गुसल दे दो। तो तीन और पांच मरतबा गुसल साबित है। कफन के लिए सफेद कपड़ा इस्तेमाल करना मसनून है। उम्मुल मोमिनीन आयशा से रिवायत है कि रसुल्ला को तीन कपड़ों में कफन दिया गया जो यमनी सहूली रुई के बने हुए थे, रेशम या ऊन के नहीं थे। इन कपड़ों में ना कमीज था और ना अमामा, यानी ना पगड़ी थी ना शर्ट थी। आपको इन तीन कपड़ों में कफन दिया गया था और ये कपड़े रुई के बने हुए थे, यानी कॉटन के कपड़े थे। दो कपड़ों में कफन दे देना भी दुरुस्त है। अपना कफन जिंदगी में तैयार किया जा सकता है, कोई अगर कफन रखना चाहे इसमें कोई हरज की बात नहीं। औरतों का जनाजे के हमराह जाना मना है। उम्मे अतिया कहती हैं कि हम लोगों को जनाजों के हमराह जाने से मना कर दिया गया, मगर कोई सख्त ताकीद नहीं की गई थी।